मैं अनिल आपको ग्रेट करियर कैंपस में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं नाउन का पार्ट टू लेकर के आया हूं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आपको नाउन में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, तो फिर से एक बार उसे रिव्यू करवा देता हूं कि क्या क्या आपको बताने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले मैं टाइप्स बताने वाला था, उसके बाद नंबर, उसके बाद केस और लास्ट में जेंडर। ये आपको इतने चीज मैंने पढ़ाने वाला था। टाइप्स में क्या था, इसके जितने भी हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और लास्ट में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर में सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन इसी के साथ इसी में पढ़ेंगे काउंटेबल, काउंटेबल और आपका अनकाउंटेबल। केस में पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉसेसिव केस और लास्ट में डेटिव केस। ये चार होते हैं, इनके और अलग अलग नाम भी हैं, वो सभी नाम मैं बताऊंगा आपको जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आपका है जेंडर। जेंडर में है आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। ये इतने चीज में आपको नाउन में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। वन बाय वन में आप सीखते जाएं और मैं वन बाय वन आपको पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, अब आराम से आपको समझते जाना है। फर्स्ट में समझते हैं इसका टाइप्स स्टडी करेंगे, उसके बाद नंबर करेंगे, केस करेंगे और जेंडर करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और आप जानते हो तो जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा वीडियो के अंत में कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसी चीज के ऊपर फोकस करें तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ मैं जैसे ये मैं पूरा खत्म करूंगा, सिर्फ उसके बाद तुरंत इसी के बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम मैं आपको यहां पे करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ आइडियाज आ जाएंगे कि थ्योरी के बाद, रूल जानने के बाद उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे एरर डिटेक्शन करना है, कॉमन एरर कैसे करना है, फिलर्स कैसे करने हैं, वो हर चीज में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में समझते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आखिर कहेंगे किसे, प्रॉपर नाउन। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो हम नाउन, अच्छा इसके जानने से पहले हम नाउन के डिफिनेशन जानते हैं। नाउन कहते किसे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो आप सोचो क्या प्रॉपर नाउन है, क्या प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है या थिंग हो सकता है। तो यहां पे बता दूं कि नाउन जितने प्लेस हैं सभी के सभी प्रॉपर नाउन होंगे, पर्सन है उस होंगे, लेकिन थिंग्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से डिफिनेशन में बोल सकता हूं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस एंड पर्सन। प्लेस और पर्सन है, आने कहने का मतलब है कि आपका प्रॉपर नाउन है और सिर्फ आपका क्या होगा, प्लेस और पर्सन होगा, थिंग्स कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी दे रखे हैं, जैसे आपका रामायण है, बाइबल है, तो इस तरह से जो है वो आपके थिंग्स में है, वो लेकिन वो एक्सेप्शन में है, लेकिन सभी थिंग्स नहीं होते हैं। जैसे मैं इस पेन की बात करूं, क्या ये पेन अगर थिंग है तो क्या ये प्रॉपर नाउन है, नहीं है, क्योंकि पेन को कॉमन नाउन में रखा गया है, तो सभी थिंग्स को नहीं बोल सकते हैं। तो आपके यहां डिफिनेशन क्या हुआ कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस एंड पर्सन, समझ गए। अब इसी का समझते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो इसी बता देता हूं कि आपका प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, यानी कि प्रॉपर नाउन
noun, always starts with capital letter. आने की जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से. कैपिटल लेटर कहने का मतलब, अब बहुत लोग एरर करते हैं जब भी आप लिखते हो अपने कोई पैराग्राफ या कोई भी अपने एक लाइन भी लिखते हो वहां पर भी, अपने यहां तक कि अपने नाम लोग गलत लिख देते हैं. जैसे किसी का नाम है राहुल कुमार, राहुल तो कुमार में ये लिख देते हैं, तो आप सोचो क्या यह सही है? जी नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि यहां के आपको देखने से लग रहा है क्या है मेरा, स्मॉल है, तो ये ना हो करके क्या होगा, के यू एम ए आर, ये आपका सही है और ये आपका गलत है. किसकी वजह से? सिर्फ के वजह से. यानी कि आपके जितने भी होंगे प्रॉपर नाउन, अगर वो दो वर्ड का है, तीन वर्ड का है, वो क्या होंगे? हमेशा कैपिटल लेटर से होंगे स्टार्ट. ऐसा नहीं कि फर्स्ट करेंगे और बाद वाले नहीं करेंगे. हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं आपके पास जो हमेशा किससे होता है, जैसे मैं डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, एडिडास, फिर आपसे मैं लिख लूं एडिडास आइडिया, तो अब यहां पर देखो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अपने डी ब्रोगली का पढ़ा भी होगा क्लास 11 के केमिस्ट्री में, तो इनके नाम या फिर आपने नाइन्थ में पढ़े होंगे, तो यहां पे डी ब्रोगली का हमेशा स्मॉल डी से स्टार्ट होता है, लेकिन ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. तो अब ये आपके एक्सेप्शन है. एडिडास एक हमेशा आपका स्मॉल से होता है, आइडिया जस्ट उल्टा होता है. तो ये जो आपके हैं दोनों, ये एज ए सिंबॉलिक फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, एज ए ब्रांड के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है. और डी ब्रोगली जब इन्होंने शुरू में अपना नाम लिखना शुरू किया था, तो अपने नाम या जब साइंटिस्ट बने तो उन्होंने नाम अपना ये डी स्मॉल में और ब्रोगली कैपिटल में शुरू किया, जो आज भी ये क्या है, कायम है. ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए होंगे. और भी इसके इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. क्या समझे? कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. नेवर यूज आर्टिकल बिफोर नेवर यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन. क्या समझे यहां से? कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं मतलब कभी आप ये नहीं बोल सकते हो दिस इज ए राम, ये आप नहीं बोल सकते हो, ये गलत है. This is Ram, क्या होगा? This is Ram, तब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, तो ये आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता. लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें होता है, तो वह केस क्या है? जब वहां ये Ram is at door, ये Ram is at your door, तो Ram आप देखो क्या है आपका यहाँ पे प्रॉपर नाउन है. जब ये प्रॉपर नाउन है और इसके पहले क्या लगाया गया है, ये एल का प्रयोग किया गया, इसके मतलब यहां पे ये हुआ कि आपका ये का जो मीनिंग है वो क्या है, यहां पे एनी का मीनिंग है, एनी कोई अन्य. एक चीज बताना भूल गया, ये या एन का दो मीनिंग होता है, एक होता है एनी और एक होता है वन. जो वन का प्रयोग करते हैं वो यहां पे नहीं है, यानी कि आपका जो वन का प्रयोग है वो कभी प्रॉपर नाउन के लिए नहीं करते, एनी में करते हैं. आने की प्रॉपर नाउन में हमेशा एनी के लिए करते हैं. एनी के मतलब कोई, जैसे ऐसे समझो ए राम इज एट डोर, कोई राम दरवाजे पे खड़ा है. ऐसे समझो कि जब आप अपने दोस्त के घर गए हो और उसका नाम है मोहन, जब उसके घर पर गए, दरवाजा नोक किए, नोक करने के बाद उसकी मम्मी आई और बोली कि आप कौन हो, तो बोलोगे कि मैं राम हूं. क्या हूं? मैं राम हूं. तो वह मुझे और बोले किससे मिलना है, तो बोलोगे कि मुझे मोहन से मिलना है. तो वो मोहन को क्या आवाज देगी कि कोई राम आया है
यानी कि कोई राम दरवाजा पे खड़ा है या कोई राम आया है, कोई राम यानी कोई राम आया हुआ है। तो यहां पे क्योंकि आप अननोन के जैसा बिहेव किए जा रहे हो, मतलब किसके जैसे, अननोन के जैसा, जब आप अननोन हो गए, क्या समझे यहां से इसके मतलब, जब आप अननोन हो तो वहां उस केस में प्रॉपर नाउन के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। समझ गए यहां तक। अभी जो प्रॉपर नाउन होता है वह कॉमन नाउन के भी जैसा प्रयोग होता है, लेकिन उनको भी देखते हैं कि कब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के जैसे प्रयोग होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे प्रॉपर नाउन, नाउन समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन, आने की प्रॉपर नाउन कभी कभी किसके जैसा प्रयोग होता है, कॉमन नाउन के जैसा प्रयोग होता है। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के जैसा प्रयोग होने का अर्थ यह हुआ, एग्जांपल में क्या होगा, थ्री इडियट्स इज ऑब्लिक आर ए मूवी, दूसरा है थ्री इडियट्स इज ऑब्लिक आर प्लेइंग कार्ड्स। अब यहां पे देखो कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, आपके पास थ्री इडियट्स इज ऑब्लिक आर ये मूवी। तो अब यहां पे आप समझो कि जो थ्री इडियट है वह क्या है, एक मूवी है। तो ये आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर नाउन बोल सकते हैं यहां पे। जब ये सिंगुलर है तो थ्री इडियट्स, आनी जो थ्री इडियट्स है वो आपका एक सिंगल चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी सिंगल चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वहां पे क्या होगा, सिंगल चीज को एक्सप्रेस कर रहा है इसके मतलब क्या होगा, ये नाउन हुआ, और नाउन भी कैसा हुआ, ये सिंगुलर नाउन हुआ। क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ। जब ये सिंगुलर नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इज होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां पे आपका क्या हुआ, नाउन हुआ, और ये नाउन भी कैसा है, सिंगुलर प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। सेकंड में क्या है आपका, थ्री इडियट्स इज आर प्लेइंग कार्ड, थ्री इडियट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कार्ड। जो एक्टिविटी देखो यहां पे, वो सिंगल चीज को नहीं, वो प्लेइंग कार्ड आने के कार्ड को खेल रहे हैं, पत्ती खेल, जब खेल रहे हैं इसके मतलब एक से अधिक होगा, जब एक से अधिक होगा तो यहां पे जो ये आपका हुआ, ये आपका कॉमन नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ। और जो कॉमन नाउन है और नाउन के जस्ट पहले आने वाला वर्ड को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे एडजेक्टिव ये थ्री कैसा एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, न्यूमेरल आने की कैसा, कैसी और कितने का जो रिप्लाई देता है उसी को एडजेक्टिव बोलता है, कितने का। तो यहां पे कितने हैं, तीन हैं, तो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहां पे अब समझ गए होंगे कि आपका जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन के रूप में जैसा प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस आपसे क्या कह रहा है या क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहां आपने सिर्फ देखा एक तरफ से डिफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट, क्या कंडीशन था और नहीं था। अब एग्जाम्पल की बारी है, एग्जाम्पल को मैं क्लासिफाई करके बताऊंगा कि एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके। तो अब सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं कि जितने भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप सबका क्या होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा, और उन नाम को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, यानी कि बोल सकते हैं नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, जितने भी पर्सन के नाम हैं, जैसे मैं राम ले लूं, मोहन लिख लूं, आदित्य लिख लूं, तो ये सब के देख सभी क्या हैं, नाम हैं, और ये सभी सब प्रॉपर नाउन है। दूसरा में नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स, यानी कि दिन और महीनों के नाम को भी क्या बोला जाता है, प्रॉपर नाउन बोला जाता है। जैसे आप बोलते हो संडे, मंडे, जून, जुलाई, तो अब देखो ये सब आपके मंथ हो गया और ये सब आपके क्या हो गए, यहां से डेज के नाम हो गए।
तो अब यहां आपको समझना है कि नेम ऑफ डेज और मंथ्स को भी क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर संडे हो या मंडे हो, जनवरी हो, फरवरी हो, जून हो, जुलाई हो, या कोई भी मंथ हो या डेज हो, तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और ये हमेशा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। इसके मतलब ये समझ गए कि इसका कभी भी आप आर्टिकल इसका पहले प्रयोग नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसके प्लूरल भी नहीं बना सकते हो। संडे का प्लूरल संडे तो नहीं करोगे ना, मंडे का प्लूरल मंडे तो नहीं करोगे, जून का जून तो नहीं होता है। आने की एक चीज मैंने बताना भूल गया कि आपका प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। यानी राम का राम से नहीं कर दोगे, मोहन का मोहन से नहीं कर दोगे, यानी इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लेना। अब अगर थर्ड एग्जाम्पल चले तो थर्ड नेम ऑफ स्पेशल डेज, और इसी को बोल सकते हो सेलिब्रेशन डेज, सेलिब्रेशन डेज। जितने भी स्पेशल डेज हैं और सेलिब्रेशन डेज हैं, सभी के सभी क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। जैसे आप जानते हो कि टीचर्स डे हो, फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, क्रिसमस डे हो, फिर आपके जितने भी मैरिज एनिवर्सरी डे हो या कोई भी डे हो, तो अभी सब के सब क्या होंगे, यहाँ सेलिब्रेशन डे हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, यहाँ मदर्स डे। अच्छा, ये डे भी होगा कैपिटल में स्टार्ट, क्योंकि ये क्या है, पूरे आपके प्रॉपर नाउन। ये ऐसा ना लिखे कि मदर्स को लिख दें, यहाँ एम तो कैपिटल होगा लेकिन डी स्मॉल, ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद आप वैलेंटाइन डे भी लिख सकते हो, वैलेंटाइंस डे, टीचर्स डे, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे। तो ये सभी के सभी आपके क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। समझ रहे हैं मेरे बात, क्या देखे फर्स्ट में कि नेम ऑफ पर्सन, कोई भी आदमी का नाम को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। दूसरा, संडे मंडे या फिर जनवरी फरवरी यानी कि दिन या और महीने के नाम को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। थर्ड में, कोई भी स्पेशल और सेलिब्रेशन डेज हो, यानी मदर्स डे हो, वैलेंटाइन डे हो, फादर्स डे हो, टीचर डे हो, रिपब्लिक डे हो, क्रिसमस डे हो, या कोई भी स्पेशल डे हो, मैरिज एनिवर्सरी डे भी हो या बर्थडे भी सेलिब्रेशन डे हो, तो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, आपके स्पेशल डेज कहलाएंगे। और ये स्पेशल डे जो है वह एग्जाम्पल किसका है, प्रॉपर नाउन का है। गॉट इट। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल डी नंबर है, नेम ऑफ फेमस मॉन्यूमेंट बिल्डिंग नेम ऑफ फेमस मॉन्यूमेंट बिल्डिंग एंड प्लेस आर प्रॉपर नाउन। ये सब क्या है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर डी है। जैसे मैंने क्या बताया, फेमस मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स और प्लेस, ये सब के सब क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। जैसे मैं बोलूँ ईफिल टावर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल, दिल्ली, मुंबई, ये सब के सभी क्या होंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एफिल टावर। प्लेस में कुछ ले रहा हूं एग्जांपल, प्लेस में आपका हो जाएगा दिल्ली। अब ये सभी के सभी क्या हो गए, आपके प्रॉपर नाउन हो गया। अब इसका लास्ट एग्जांपल बच गया ई नंबर में, नेम ऑफ पर्सन, सॉरी नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री एंड देयर सिटीजन आर प्रॉपर नाउन।
आर प्रॉपर नाउन, यानी कि नेम ऑफ कंट्री, कंट्री के नाम और उनके सिटीजन को भी क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले कुल लोग को क्या बोलते हो, इंडियन बोलते हो। ये नहीं कि कंट्री नेम में आप प्लेस भी दे सकते हो, नेम ऑफ प्लेस एंड देयर सिटीजन आर प्रॉपर नाउन। जैसे आप बिहार के रहने वाले, बिहारी, झारखंड के रहने, झारखंडी, अगर चीज़ बोलते हो तो आपके स्पेशल जगह के अनुसार जो बोलते हो। तो जैसे मैं इंडिया में रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं। अमेरिका में रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं। तो इस तरह से जितने भी हैं, ये तो आपका है ही है क्योंकि ये प्लेस है। तो अभी तो यहाँ बताया था कि जो प्लेस है आपका तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। और जो ये आपके हुए अमेरिकन, इंडियन, ये इनके सिटीजन को एक्सप्रेस करते हैं बोलने के लिए, तो ये भी आपके क्या होंगे, आपका प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका प्रॉपर नाउन यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब आप जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं। तो मैं उनको बारीकी से, एक बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊँगा। तो आप उन्हें जरूर बोलें देखने के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक रखता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम कुछ नए पार्ट के साथ। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपके नेक्स्ट टाइप्स के साथ। तब तक आप पढ़े हो।